By proceeding into the video, you are agreeing that you have read the disclaimer. तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिंदी का चैप्टर नंबर 17 बाज और सांप की कहानी। तो इस पूरी कहानी के अंदर आप बाज और सांप के बारे में जानने वाले हैं। तो समुंदर के किनारे एक ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा के अंदर एक सांप रहता था। समुंदर की तूफानी लहरें धूप से चमकती थी और वो चारों तरफ झिलमिला जाती थी, मतलब कि चारों तरफ उनकी रोशनी जो थी या फिर रिफ्लेक्शन थी वो चारों तरफ फैल जाती थी। दिन भर उस पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी और उस पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी जो अंत में समुंदर में आकर मिल जाती थी। तो यहाँ पर जो ये पर्वत था, यहाँ पर एक अंधेरी घाटियाँ भी थीं इस पर्वत के पास में, जहाँ पर एक नदी बहती थी और वो नदी अंत में आकर समुंदर से मिल जाती थी। सांप अपनी गुफा में आराम से बैठकर समुंदर की लहरों की आवाज़ और नदी के शोर को चुपचाप शांति से सुनता रहता था। वो अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से संतुष्ट था, क्योंकि वो ये सोचता था कि उस गुफा के अंदर वो बहुत ज़्यादा खुश है और वो उस गुफा का मालिक है और अपनी उस गुफा में सुरक्षित और सुखी वो महसूस करता था। लेकिन एक दिन एक बाज उसकी गुफा में घायल अवस्था में गिर पड़ा, जो उसकी ज़िंदगी को कुछ क्षणों के लिए बदल देता है। तो क्या होता है कि अचानक से एक बाज आता है। बाज सांप के सबसे पक्के दुश्मन होते हैं, खा जाते हैं बाज जो होते हैं। बाज है ना बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, तो वो है ना सांप को खा जाते हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि एक दिन बाज आया और वो गिर पड़ा उसकी गुफा के सामने ही, और ये जो बाज था ये घायल अवस्था में था, मतलब इसे चोट लगी हुई थी। पहले तो सांप अपनी गुफा से बाज को देखकर डर गया, वो डर गया सांप। लेकिन जब उसे लगा कि बाज जो है वो मरने की अवस्था के अंदर है, मतलब बिल्कुल ही घायल है, तो वो धीरे धीरे सरकता हुआ उसके पास गया। पास जाने पर बाज ने बताया कि उसका जीवन अब समाप्त होने वाला है, लेकिन उसे अपने मरने का कोई भी दुख नहीं है, क्योंकि उसने अपने जीवन के हर पल को भरपूर जिया है। दूर दूर तक खूब लंबी उड़ानें भरी हैं, स्वतंत्रता पूर्वक आकाश की जो असीम ऊंचाइयां हैं उनको भी उसने छुआ है, और इन पंखों की वजह से उसने ये सारी चीज़ें करी हैं। अपने पंखों से नाप पाया हूँ, मतलब ऊंची ऊंची ऊंचाइयां जो होती हैं आसमान की, उनको अपने पंखों से नाप पाया है। बाज की ऐसी बातें सुनकर सांप बाज से कहता है कि आसमान में क्या रखा है, वो तो ज़मीन में भी रहते हुए बहुत सुरक्षित और प्रसन्न और वो भी सुखी भी है। तो वो ये सारी चीज़ें बताता है, बोलता है मैं सुरक्षित भी हूँ, प्रसन्न भी हूँ और सुखी भी हूँ ज़मीन पे भी रहते हुए, आखिर ऐसा आसमान के अंदर क्या है, और अपनी इस गुफा में बेहद खुश भी हूँ। सांप के ऐसे कहने पर बाज ने गुफा की तरफ एक नज़र दौड़ाई। उसने देखा कि आखिर ये किस गुफा की इतनी तारीफ़ कर रहा है, तो वो उस गुफा को देखता है। गुफा से आने वाली दुर्गंध, मतलब जो स्मेल थी, उसको वो महसूस भी कर लेता है। बाज बोलता है अरे इससे तो बदबू आ रही है, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। बोलता है अरे यार ये तो बदबूदार गुफा के अंदर रहता है और पता नहीं कह रहा है कि बहुत सुखी हूँ, ऐसा कैसे ये सुखी है। फिर बाज सांप से कहता है कि आकाश में उड़ना बेहद आनंददायक है, बहुत खुशी मिलती है आसमान में उड़ने से, इसलिए वो एक अंतिम बार फिर दोबारा से उड़ना चाहता है। सांप बाज को अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करता है और बाज से अपनी पूरी हिम्मत और साहस बटोर कर एक बार फिर उड़ने की कोशिश करने को कहता है। तो बाज ऐसा ही करता है, अपनी पूरी हिम्मत साहस बटोर कर पूरा एफर्ट लगा देता है एक और बार उड़ने में। लेकिन उसके टूटे हुए पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उसके घायल शरीर का बोझ संभाल सकें, इस वजह से वो सीधा समुद्र में जाके गिरता है। थोड़ी देर बाद जो समुद्र की लहरें थी वो उनमें गायब सा हो जाता है। सांप बाज का ऐसा हाल देखकर हैरान होता है और मन ही मन सोचता है कि आसमान में उड़ने में ऐसा क्या आनंद आता है कि बाज ने अपने प्राण तक गंवा दिए। अब वो जो बाज था उड़ने के चक्कर में कूद गया उस पहाड़ी से और कूद कर नीचे गिरा और समुंदर के अंदर बह गया।
ठीक है, तो आखिर इतनी क्या खुशी मिलती है, सांप भी ये सोचने लगा। सांप के मन में भी उड़ने की इच्छा जगती है, वो सोचता है कि क्यों ना मैं भी उड़ के देखूं। लेकिन प्रकृति की वजह से वो उड़ नहीं सकता था, क्योंकि प्रकृति के हिसाब से सांप के पास पंख वगैरह है नहीं, तो वो उड़ेगा कैसे। और वो भी उड़ने की पूरी पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी। इसलिए जैसे ही वो उड़ने के लिए अपने शरीर को हवा में उछालता है, तो वो औंधे मुंह ज़मीन पर गिरता है, लेकिन किसी तरह से बच जाता है। मतलब वो ज़मीन पर सीधे गिरता है, लेकिन फिर भी वो बच जाता है, उसे चोट वगैरह तो नहीं आती। अब क्या होता है, अब सांप सोचता है कि उड़ने में कोई आनंद नहीं है, सारे पक्षी मूर्ख हैं। इसलिए वो ये बोलता है कि सुख, असली सुख तो धरती पर ही है, और ये पक्षी तो व्यर्थ में ही आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं। लेकिन अब वो कभी भी उड़ने की कोशिश नहीं करेगा, आराम से सुरक्षित ज़मीन पर रहेगा। अभी सांप अपनी गुफा में बैठा यही बात सोच रहा था कि तभी उसके कानों में सुंदर गीतों की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी। उसे बहुत सुंदर आवाज़ सुनाई देने लगी। इस समुंदर में इतनी मधुर स्वर में कौन गा रहा है? यह देखने के लिए सांप अपनी गुफा से बाहर आया, तो उसने देखा कि समुद्र की लहरें उस बाज की प्रशंसा में मधुर गीत गा रही हैं, जिसने बिना हार माने, बिना हिम्मत गवाए आकाश में उड़ने की चाहत में अपने प्राण तक गवा दिए। तो यहाँ पर जो भी समुद्र की लहरें थी, वो उस बाज की प्रशंसा में, मतलब उसकी एप्रिसिएशन में गाने गा रही थी, क्योंकि उस बाज ने अपनी जान बिल्कुल जोखिम में डाल दी सिर्फ उड़ने की वजह से, इतना हिम्मत वाला वो बाज था। गीत गाते हुए लहरें कह रही थीं कि उनका यह सुंदर गीत उन बहादुरों व हिम्मत वाले लोगों के लिए है, जो अपने लक्ष्य व अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों की परवाह भी नहीं करते। तो ये जो लहरें थीं वो यही कह रही थी कि ये गीत हम उन लोगों के लिए गा रहे हैं जो अपनी स्वतंत्रता, बहादुरी और हिम्मत कभी भी हार नहीं मानते, अपनी कभी भी हार नहीं मानते, और आगे एफर्ट करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, और अपने प्राण तक गवा देते हैं। आगे लहरें कह रही थी कि इस दुनिया में वही चतुर है जो अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगाकर आने वाले हर खतरे का बहादुरी से सामना करे और अपनी ज़िंदगी को पूरी आज़ादी के साथ भरपूर जिए। तो लहरें ये भी बताती हैं कि इस दुनिया के अंदर चतुर इंसान भी वही है जो आने वाली हर समस्या, हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। जैसे एग्ज़ाम है, तो कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, मम्मी पेट में दर्द हो रहा है, मैं तो एग्ज़ाम देने नहीं जा सकता। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि अरे नहीं, हम तो पढ़ाई करेंगे, एग्ज़ाम है तो हम एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो ऐसा भी होता है। यहाँ पर लेखक समुद्र की लहरों के माध्यम से सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि लगातार और बार बार प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। तो यहाँ पर लेखक ये बताना चाहते हैं इन समुद्र की लहरों, और क्या मैसेज देना चाह रहे थे लेखक, कि क्या करना चाहिए, हम लोगों को बार बार कोशिश करती रहनी चाहिए, प्रयास करता रहना चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी। भले ही आपकी शुरुआत में असफलता का सामना क्यों ना करना पड़े, आपको शुरुआत में असफलता का सामना ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं करना पड़ता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप करते हो तो आप हार मत मानो, प्रयास करते रहो। जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक आपका जो गोल है, टारगेट है, वो आप प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक आप प्रयास करने से मत रुको। उसके बाद समुद्र की लहरें बाज से कहती हैं कि ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपनी कीमती रक्त बहाया है, पर वो समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहस बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तो यहाँ पर समुद्र की लहरें ये भी बोलती हैं कि तुमने जो भी अपना रक्त, मतलब चोट वगैरह लगी थी तो खून वगैरह उसके बह रहा था बाज के, तो वो यही बोलती हैं कि ऐसा मत सोचो कि तुम्हारी वो जो लड़ाई थी, जो भी तुम्हारी जंग थी, वो वेस्ट जाएगी, और लोग जब तुम्हारे बारे में पढ़ेंगे, जब तुमसे सीखेंगे, तब उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। जो भी तुम्हारे बारे में जानेगा, उसे पता चलेगा कि तुम्हारी मेहनत करने से कितना ज़्यादा तुमने, मतलब बिल्कुल निडर होके तुमने लड़ाई करी और उड़ने की फिर दोबारा कोशिश करी, हार नहीं मानी, इस चीज़ से लोग कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को भी सीखने को मिल रहा है बाज से बहुत सारी चीज़ें। बाज की बहादुरी व कुर्बानी के आगे
लहरें नतमस्तक थीं, नतमस्तक की मतलब उसके आगे झुक गई थीं। ये पंक्तियाँ स्वतंत्रता के लिए प्रेम का भाव भी पैदा करती हैं, तो हम लोगों की फ्रीडम मतलब कि आज़ादी के लिए भी क्या करती हैं, एक तरीके से ऐसा भाव हमारे अंदर पैदा करती हैं। ये सब जो हमने अभी लाइन्स पढ़ी और ये पूरी स्टोरी समझी, जिससे कि हम लोगों को भी इंस्पायर हों हम लोग भी फ्रीडम के लिए। उसके बाद लहरों ने बाद से कहा कि तुम मरकर भी अमर हो, और जब भी इस दुनिया में वीरता के गीत गाए जाएंगे तुम्हारा नाम उन गीतों में हमेशा श्रद्धा से लिया जाएगा। तो वो ये बोलती हैं कि जब भी इस दुनिया के अंदर बहादुरी के गीत गाए जाएंगे, लोग बहादुरी को लेके तारीफ करेंगे, तब तुम्हारा नाम ज़रूर श्रद्धा से लिया जाएगा। और अंत में लहरें कहती हैं कि हमारे गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए हैं जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरे। तो ये लहरें ये भी बताती हैं लास्ट में कि जो हम ये गाने गा रहे हैं ये उनके लिए हैं जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरे। मतलब जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स को ही ले लो, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई अंग्रेज़ों से, वो बिल्कुल भी नहीं डरे, लड़ते रहे। अगर वो भी सोच लेते कि नहीं यार, अगर अंग्रेज़ों ने कुछ कर दिया तो हम तो नहीं जा रहे लड़ाई करने, तो उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। वो लड़ते रहे हम लोगों के लिए लड़ते रहे, और आज हम लोग उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, हम लोग उनको कितना भगवान की तरह मानते हैं कि उनकी वजह से ही आज हमें आज़ादी मिली है। तो यहाँ पर आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, घायल होने के बाद भी बाज ने ये क्यों कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है? विचार प्रकट कीजिए, आखिर उस बाज के दिमाग के अंदर क्या विचार आ रहा होगा जब उसने ये चीज़ कही, तो उसने ये चीज़ क्यों कही थी, फटाफट बताओ। हमने स्टडी करा इस चैप्टर के अंदर, तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें, तो आप हमारे चैनल के मेंबर बनके हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय, टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।